चलें, वेलकम टू लेक्चर 3। एंड इन लेक्चर 3 आई विल कंटिन्यू फ्रॉम वेयर आई लेफ्ट ऑफ। हमने जहाँ पर छोड़ा था आपको बताया था, आई टोल्ड यू हाउ अबाउट द कोल प्रॉपर्टीज एंड व्हाट इज द बेस्ट प्रॉपर्टी, बेस्ट कोल एंड द रिलेशंस टू इट। नाउ वी मूव अ स्टेप फॉरवर्ड एंड गो इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल एंड हाउ द कोल इज एक्चुअली फॉर्म्ड। जी, एनी क्वेश्चन? सर, मैं ये कह रहा था, जैसे आपने कहा कि पीट को हम कोल कोल में शामिल नहीं करते, इट्स नॉट द पावर ऑफ कोल। तो सर, पीट को हम एज अ पार्ट ऑफ फ्यूल ये कह सकते हैं कि मतलब ये सॉलिड फ्यूल है? अच्छा, डेफिनेटली वो सॉलिड फ्यूल में लिखा हुआ था, पीट इज अ सॉलिड फ्यूल। ओके सर, आई डिड अच्छा, नॉट नोटिस। इट्स मेंशन इन द स्लाइड्स आल्सो बाय द वे। ओके, कमिंग सर ऑन टू वो पीट। जी, सर ग्राफ आपस एक दफा खोलें। मुझे बहुत सारी लेक्चर कंप्लीट करने हैं, बोलें वो स्लाइड जी, बोलें। सर ग्राफ के अंदर जो वो वोलेटाइल मैटर जो है ये लिग्नाइट से शो कर रहा है क्या? इससे पहले वोलेटाइल मैटर नहीं होते? देखें, वोलेटाइल मैटर कैन बी, हम वोलेटाइल मैटर लिग्नाइट से इसलिए शो कर रहे हैं बिकॉज आर फोकस इज ऑन कोल, कोलिफिकेशन प्रोसेस। क्यों सर पानी और ये तो वुड पीट में मिक्स भी से होगा शो ना, कर रहा है? वोलेटाइल मैटर तो। वुड में हो सकता है, मे भी थोड़ा हो, सूख गया हो, मगर हम वोलेटिलिटी यहाँ पर कोल को जज कर रहे हैं, लिग्नाइट से कोल शुरू हो रहा है। सही है, ये ग्राफ आपका कोलिफिकेशन प्रोसेस के लिए है। उसूलन तो शुरू का इनको वुड और पीट भी नहीं दिखाना चाहिए था, मगर बना वहां से रहे हैं, तो और यू सर आर नॉट इवन। लिग्नाइट के भी मिड से शुरू कर रहे हैं, ये वोलेटाइल मैटर की जो लाइन है जी लिग्नाइट के मिड से शुरू हो रही है। देखें, ये ग्राफ इन्होंने इसलिए बनाया, हाइपोथेटिकली हो सकता है, क्योंकि ये एक ऑथेंटिक ग्राफ है जो इस बुक में बनाया था, किसी ने डेटा फाइंड आउट किया था, हो सकता है इनको डेटा यही मिला हो। सही है, अच्छा मुझे नहीं मालूम कहाँ सही है से सर। शुरू होगा, इनको डेटा नहीं मिला होगा तो इन्होंने इस तरह बनाया है। आई आई अच्छा कैन नॉट सर, टेल इसके यू। अलावा ये हाइड्रोजन की जो लाइन है इसके अंदर बीच में जो कर्व आ रहा है बिचुमिनस के बाद, ये बीच में जो है ये नीचे जा रहा है फिर ऊपर आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? यार थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन है, मोर और लेस इट सेम। आप यहाँ पर देखो ना, हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है, 5 है, 5 है, 5 है, 6 है। दीज आर जस्ट एस्टिमेटेड वैल्यूज, देर इज नो रीजन टू इट, बट मोर और लेस इट्स कॉन्स्टेंट। दैट इज वाई आई सेड अच्छा हाइड्रोजन इज अज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट। तो ये कंपोजिशन बाय मास है, जो जी, कंपोजिशन के परसेंटेज दी हुई है। इट्स कम बाय मास वेट परसेंट है। हाँ, इट इज ऑलवेज वेट परसेंट, जी बिकॉज सर, आई विल टीच यू हाउ टू कैलकुलेट वेट परसेंटेज। जी सर। चलें, ओके, आई होप वी कैन फिनिश इन द नेक्स्ट 47 मिनट्स, अदरवाइज वी विल नीड 10 मिनट्स एक्स्ट्रा, बिकॉज आई विल कंप्लीट दिस स्लाइड। डोंट इंटरप्ट मी इफ यू नीड टू गो। इफ यू हैव टू गो, डोंट वॉन्ट टू टेक द क्लास, यू कैन लीव द क्लास एट 1 PM। I don't mind. I will mark you present. If you were there till 1 o'clock, you will be marked present. But don't say that stop the class if it's not completed. Your present is going to be marked, but I want to complete this. Okay, we start with peat. First important line. It is not actually a coal, but it is the initiation point of the coalification process. इसका मतलब ये हुआ कि पीट असल में कोल नहीं है, जो मैं आज की क्लास में बोल बोल कर थक गया हूँ, मगर कोलिफिकेशन प्रोसेस के लिए पीट के बगैर आपको कोल नहीं मिल सकता। क्वालिटी ऑफ द पीट इज, इट इज सॉफ्ट डार्क ब्राउन सब्सटेंस। इट इज फॉर्म फ्रॉम जेनरेशंस ऑफ डेड एंड पार्शली डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। इसका मतलब ये हुआ, जो कोलिफिकेशन प्रोसेस के अंदर जो इनिशियली दरख्त मैंने आपको दिखाए थे ना, जो स्वाम्प में थे और डीके हुए थे, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ पीट। That is why peat is linked with coal. It is the first step in the formation of coal. It slowly becomes lignite. Slowly का मतलब साल लगते हैं, millions of years लगते हैं. It is the first step in the formation of coal and slowly becomes lignite after the, again, temperature and pressure increase. Temperature increase करेगा, pressure increase करेगा कैसे? जब आप surface के अंदर एक डेड लेयर दूसरी डेड लेयर के ऊपर बड़े पड़ेगी, तीसरी पड़ेगी, चौथी पड़ेगी, एक्यूमुलेशन होगा, एक्यूमुलेशन होगा, डेप्थ भी इंक्रीज होगी बिनिथ द अर्थ, एंड इफ द डेप्थ इंक्रीजेस एंड प्रेशर इंक्रीजेस,
both the temperature and temperature is going to pressure and temperature is going to increase. So after the temperature and pressure increase, as sediments is piled on top of the partially decaying organic matter, in order to be turned into coal, the peat must be buried from about 4 to 10 kilometers deep by sediment. Yani jo aapka peat hai na, agar usko coal mein turn hona shuru hona hai, to kam az kam 10 kilometer ki depth ke baad wo coal mein form hona shuru hoga. Aur 10 kilometer depth ka kya matlab hai? Ki us 10 kilometer mein uska pressure bhi increase hoga, uska temperature bhi increase hoga. It exhibits the lowest carbon content. 60% इसकी कार्बन कंटेंट थी, जिसका मतलब था कि इट हैज लो एनर्जी डेंसिटी और इन अदर वर्ड्स अ लो कैलोरीफिक वैल्यू. इट इज अन इकोनॉमिकल फ्यूल विद लो कार्बन कंटेंट एंड हाई मॉइस्चर. ऑब्वियसली अगर उसका कैलोरीफिक वैल्यू कम है तो उसका मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है. तो इन अदर वर्ड्स इट इज नॉट अ गुड फ्यूल, इनएफिशिएंट फ्यूल है. लिग्नाइट, यहाँ से आपकी कोल की प्रोसेस शुरू हो जाती है. जब आपके 10 किलोमीटर डेप्थ हो गई, आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, आपका प्रेशर इंक्रीज हो गया. अब देखें, लिग्नाइट इज नोन एज अ ब्राउन कोल. फर्स्ट डिफरेंस, लिग्नाइट ब्राउन कोल है. अगर आपसे कोई रीजन पूछे कलर डिफरेंस क्यों है, कार्बन एटम्स कम है. जितने ज़्यादा कार्बन एटम होंगे उतना डार्कर आपका कलर होगा. लिग्नाइट इज ऑल्सो नोन एज द ब्राउन कोल ड्यू टू इट्स कलर and its lowest quality coal. Carbon content of lignite ranges from 65 to 70, which is reasonably less. Compared to other types of coal, it contains the greatest amount of compounds other than carbon like sulfur and mercury. अब वही बात हो रही थी कि sulfur and mercury, इसके अंदर ज़्यादा impurities होंगे, because which type of coal, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था, इट वॉज फॉर्मिंग अ स्मोकलेस फ्यूल. स्मोकलेस फ्यूल तो उसके अंदर ऑब्वियसली पार्टिकल्स नहीं थे, तो लिंक वहीं से हो रहा है. ये देखें, पॉइंट फोर इज वेरी इंटरेस्टिंग. इट इज द यंगेस्ट फॉसिल फ्यूल. यंगेस्ट का मतलब सबसे छोटा बढ़ने के लिए, विथ एन एज ऑफ अबाउट 60 मिलियन ईयर्स. 60 मिलियन ईयर्स के अंदर सिर्फ लिग्नाइट फॉर्म होता है, तो आपको क्या लगता है कि एंथ्रेसाइट कितने सालों में फॉर्म होगा? इससे अंदाजा हो जाता है कि कोल इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. ये बच्चों का खेल नहीं है कि 10 ईयर्स 15 ईयर्स के अंदर आपको कोल मिल जाएगा. इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स. दैट इज व्हाई आई केप्ट रिपीटिंग दैट द थर्ड इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन द मैच्योरेशन ऑफ कोल इज टाइम. Temperature, pressure, time. It is a period of millions of years. 60 million years mein aapko sirf youngest coal mila hai, which is lignite. Energy density is low due to a short lifespan. Aur ye jo 60 million years bolte hai na, isko short life bolte hai. Agar 60 million years short hai, to imagine kar lein ki long life kitni hogi. So, short life ki wajah se 18 megajoule per kg, that is just the what we call lowest calorific value. Zahir si baat hai, lower the calorific value, higher the moisture content. High moisture content and low carbon results in more carbon dioxide emissions compared to harder black coals. Iska matlab ye, ke ye jo coal hai, ye zyada pollution provide karta hai. It is less environment friendly. It is used in boilers to generate electricity. Magar phir bhi ye kyun use hota hai? एक तो ये चीप है. एंथ्रेसाइट हर जगह यूज नहीं हो सकता, उसकी प्रोसेस एक्सपेंसिव होती है, तो आपको इसकी एफिशिएंसी भी देखनी है. ऑन द अदर हैंड, इट इज यूज्ड इन बॉयलर्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड इज आल्सो यूज्ड टू जनरेट सिंथेटिक नेचुरल गैस. अ स्मॉल परसेंट इज यूज्ड फॉर फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स. ड्यू टू इट्स पुअर बर्निंग क्वालिटी, वर्चुअली ऑलमोस्ट 0% ऑफ लिग्नाइट इज यूज्ड एज अ होम हीटिंग फ्यूल. इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है बर्न करने के अंदर. इंडस्ट्री में तो चल जाता है, क्योंकि इंडस्ट्री अपने पैसे देखती है,
they need to make the process as economical as possible. But ये आप घर के अंदर नहीं देखेंगे क्योंकि इसके harmful effects ज़्यादा हैं. ये CO2 produce करता है, other toxic चीज़ें produce करता है, क्योंकि इस coal के अंदर आपके पास sulfur और mercury होगा. Sulfur and mercury are both hazardous for human health. So why will you use it in your home? Sub-bituminous coal, known as sub-bituminous coal or black lignite. एक आपका brown lignite होता है, दूसरा आपका ब्लैक लिग्नाइट होता है. तो सब बिट्यूमिनस कोल इज अनदर नेम ब्लैक लिग्नाइट. अब इसका कलर भी देखें, ब्राउन से इट इज ग्रे ब्लैक या डार्क ब्राउन. पहला था ब्राउन, दूसरा डार्क ब्राउन. इट रेंजेस फ्रॉम हार्ड टू सॉफ्ट एंड इज एन इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन लो क्वालिटी लिग्नाइट एंड हाई क्वालिटी बिट्यूमिनस कोल. दो एक्सट्रीम है, लो क्वालिटी आपके पास लिग्नाइट होगा एंड द हायर क्वालिटी इज द बिट्यूमिनस कोल. Between them is the sub-bituminous coal, which is dark brown in color, going towards black. The carbon content varies from 70 to 76. Lignite was 65. This is 70 to 76. That is why the color is changing. They are among the younger coals, geologically about 251 million years old. Lignite was very young coal, 60 million years. This is still young. A younger coal which is 251 million years old. Longer burial time, yani agar aapne time zyada diya hai, zyada aaya hai, temperature bhi zyada aaya hai. The longer burial time in comparison to lignite increases its energy from 18 to 23 megajoule, megajoule per kg, yani calorific value is higher. It is used in generating steam for production of electricity, hence it is frequently used in power plants. It can also be liquefied to be converted into petroleum and gas. आप इससे petroleum और gas भी बना सकते हैं. इसके disadvantages क्या हैं? It has disadvantages. Its use can result in harmful emission of harmful smoke, soot and sulfur dioxide, nitrogen gases and mercury. क्यों? Because इसका जो दूसरा extreme point है वो lignite से होता है. तो हो सकता है कि जहाँ इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो तो लिग्नाइट के अंदर जो कार्बन और सल्फर प्रेजेंट है, मर्करी प्रेजेंट है, दैट कैन इवन कम इन द सब बिट्यूमिनस रिजीम. सो इट इज़ अ हार्मफुल टाइप ऑफ कोल. इट इज़ बर्नड एट हाई टेम्परेचर्स. इफ बर्नड एट हाई टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज इज रिड्यूस्ड. सब बिट्यूमिनस एक्सक्यूज मी, माइक प्लीज ऑफ रखें, आप रिकॉर्डिंग खराब कर रहे हैं. सब बिट्यूमिनस से अब आप बिट्यूमिनस की तरफ आ रहे हैं. टॉप इंपॉर्टेंट लाइन, द सेकंड हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल विद कार्बन कंटेंट रेंजिंग बिटवीन 76 टू 86. यानी बिट्यूमिनस कोल इज द सेकंड हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल. इट्स द मोस्ट अबंडेंट टाइप, most abundant type and one of the longest buried fossil fuels. Yani ye jo fossil fuel hai ye one of the longest buried hai, about 300 million years old. It is about 300 million years old, and 300 million old is a longer burial time. Obviously the energy density is going to increase, calorific value is going to increase. High carbon and low moisture content. Again, it is inversely proportional. Higher the carbon, lower the moisture content. It makes it an ideal production in steel and cement. Abhi, you will read, you will do a course CPP1. CPP1 ke andar you will definitely do, CPT. You will definitely do the cement industry. So, this carbon type of carbon is used in the steel and cement industries. It is also used in electricity generation and coke production. It has several hazards, but it is a hazardous type of coal. It produces excessive amount of smoke, soot, and high sulfur content, which contributes to acid rain by releasing sulfur oxide. Harmful impurities like arsenic and mercury, and when released in air, they cause pollution. They also release nitrogen oxides, carbon monoxide and carbon dioxide, which are toxic gases. So preferably it is not as good because it is a more dangerous type of coal. Challenge. Anthracite coal. The top line is most important, dark black form of coal.
It is the highest quality of coal. Why is it dark black? Greatest amount of carbon. Greatest amount of carbon would be lowest amount of moisture. Low moisture content and carbon content is very high, approximately 95%. When it burns, it can reach very high temperature. And yahan par dekhen, oldest type of coal being buried for almost 350 million years. Iska matlab ye ke 350 million years ye bari hua tha jab jaakar anthracite ye jaakar bana hai. Oldest type of coal. Prolonged burning has increased its energy to up to 33 megajoule per kg, which is the highest of any type of coal. With such high energy, it heats up fast and it is used for space heating. It is clean type of coal. Ye jo anthracite hota hai, ye clean type of coal hota hai. In other words, smokeless hota hai. Produces less smoke compared to the others. The clean burning properties allow it to burn longer than wood making, and it is appealing in used in house stoves. Jo aapke house stoves hote hai na, wahan par ye type of coal zyada use hota hai. Moving forward, coal classification. This picture just shows the different types of coal going from left to right. Left ke upar aapke paas aapka lignite hai, which is brown in color. As the time goes on, the color is increasing, the structure is increasing, the porosity is changing. Transport and storage of coal. Solid fuel is transported to the power plant by ship, train ya conveyor belt. Distance pe matter karta hai ki aapne power plant ke liye ship se lekar jana hai, train se lekar jana hai, conveyor belt se lekar jana hai. Jo unloading facilities hain, they are needed to handle deliveries by ship or train. Coal is usually stored on the ground. आपको जो coal मिलेगा, आपको तकरीबन इसको हर जगह पे ground में मिलेगा. बेशक वो attic के अंदर हो, basement के अंदर हो, shed के अंदर हो, कहीं भी हो, ज़मीन के ऊपर coal आपको मिलेगा, store हुआ हुआ. It is important when storing coal to keep it in a dry place. When you are storing coal, it is essential you keep coal in a dry place. Because the presence of moisture would reduce the burning of coal. Jitna aapka moisture add hoga us coal ke andar, uski calorific value kam ho jayegi, which is what you do not want. So always when you store coal, you store it in a place where there is less moisture. Storing of coal. There are two places where you can store coal. Either you store coal outside or you store coal inside. जब आप आउटसाइड की बात करते हैं तो आप कोल बंकर्स की बात करते हैं. कोल बंकर्स, शेड्स, इस तरह की चीज़ें होती हैं, एक कंटेनर्स होते हैं. द कोल बंकर्स आर आइडियल मेथड. सर्दियों के अंदर आप कोल बंकर्स यूज़ करते हैं और ये वेरियस साइजेस में आते हैं. इसके अलावा डस्टबिन्स होते हैं. डस्टबिन्स में आप कोल स्टोर कर सकते हैं, मगर इधर आपके पास स्टोरेज लिमिटेड हो जाती है. पाइल्ड कोल होते हैं. पाइल्ड कोल का मतलब आप एक कोल के ऊपर दूसरा कोल पाइल कर स्टोर कर दें आउटसाइड. यू कीप ऑन स्टोरिंग वन कोल ओवर द अदर, बट ये लीस्ट सिक्योर है. लीस्ट सिक्योर, इट इज हार्ड टू कीप अ ट्रैक ऑफ इट, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई मॉइस्चर आ जाए. तो सिक्योरिटी वाइज ये कोल सबसे लीस्ट सिक्योर होता है. इनसाइड आप कोल कैसे स्टोर करते हैं? बेसमेंट या सेलर्स के अंदर. अक्सर आपने घरों में देखा है कि बेसमेंट्स हों. पाकिस्तान में तो नहीं मिलेंगे, मगर बाहर मुल्कों में बेस, जहाँ पर सर्दियाँ हों, बेसमेंट के अंदर कोल होता है, जहाँ पर उनको फायर प्लेस में डालना होता है. प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं. स्टोरेज बास्केट्स होती हैं जिसमें स्मॉल अमाउंट्स ऑफ आ जाता है, और कोल स्कटल्स आ जाते हैं. अ स्कटल इज अ टाइप ऑफ बकेट और अ स्मॉल अमाउंट. तो यहाँ पर कोल यूज होता है, दैट इज यूज इन द फायर. सो दीज वर द जनरल मेथड ऑफ स्टोरिंग द कोल. नाउ कम्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, द एनालिसिस ऑफ कोल. आपको जब एनालाइज करना है ना कोल, के मुझे कोल को एनालाइज करना है कि उसके अंदर प्रोपोर्शन क्या है, कंडीशन क्या है, उसकी वेट परसेंटेज क्या है, मेरे पास दो टाइप्स ऑफ एनालिसिस हो सकते हैं. एक है अल्टीमेट एनालिसिस, दूसरा है प्रॉक्सिमेट एनालिसिस. अब इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या है, दिस इज इम्पॉर्टेंट. हम बात करते हैं प्रॉक्सिमेट एनालिसिस की. And after this proximate analysis, I have shared you a YouTube video. You should go on this video and get an understanding on what this process is. Proximate analysis hota kya hai?
मैं आपसे ये भी डिफरेंस पूछ सकता हूँ, वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉक्सिमेट एनालिसिस एंड अल्टीमेट एनालिसिस? दैट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. प्रॉक्सिमेट एनालिसिस क्या होता है? प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, यू फाइंड आउट द वेट परसेंटेज ऑफ फोर मेजर कंपोनेंट्स इन कोल, यानी मॉइस्चर, वोलेटाइल मैटर, फिक्स्ड कार्बन एंड ऐश. ये चार चीजों का आप वेट परसेंटेज ढूंढते हो, दैट इज कॉल्ड द प्रॉक्सिमेट एनालिसिस. इसके अंदर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स नहीं होते. आई रिपीट, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस इज बेस्ड ऑन फोर सब्सटेंसेस: मॉइस्चर, वोलेटाइल मैटर, फिक्स्ड कार्बन एंड ऐश. इट गिव्स अस द अप्रोक्सीमेट कॉम्पोजिशन ऑफ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कोल. अप्रोक्सीमेटली आपको मालूम पड़ जाता है कि आपका जो कोल का मेन कॉम्पोजिशन है वो क्या है. इट इज यूजफुल इन डिसाइडिंग द टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल यूज फॉर कोल. आप ये फैसला कर सकते हो कि इंडस्ट्रियल यूज के अंदर मुझे कौन सा टाइप ऑफ कोल यूज करना है. डिटरमिन कैसे करते हैं? मॉइस्चर कंटेंट. अच्छा, ये जो चीजें हैं ना, अगर न्यूमेरिकल आता है, यू शुड नो दीज फॉर्मूलाज. दीज आर इजी फॉर्मूलाज एंड नन ऑफ देम वुड बी प्रोवाइडेड टू यू. डिटरमिन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ कोल. इफ कोल इज ड्राइड, यानी अगर आप कोल को ड्राई करते हो इन अ हीटेड क्रूसिबल एट अ सर्टेन टेम्परेचर फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम लॉस ऑफ वेट ऑफ द कोल सैंपल गिवन बाय. अच्छा, इससे पहले मैं आगे जाऊं ना, कभी कभी जब क्वेश्चन होता है ना, व्हेन यू हैव अ क्वेश्चन, यू शुड नो द कंडीशंस. कंडीशन वुड टेल यू के व्हाट टू डू इन द क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मॉइस्चर निकालना है, आप आगे खुद समझेंगे जब आप क्वेश्चन देखेंगे. जब अगर आपको मॉइस्चर निकालना है तो आपका जो क्रूसिबल होगा वो, पहली बात तो ये, वो ओपन होगा, ओपन क्रूसिबल होगा, क्योंकि आपको पानी उड़ाना है. दूसरी बात ये कि इसका टेम्परेचर होगा रफली फ्रॉम 100 to 105. दीज आर इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आई एम टेलिंग यू. तीसरी बात ये कि ये एक घंटे के लिए होगा. इट इज 100 to 105 एंड इट इज हीटेड फॉर 1 आवर. ये कंडीशंस आपको बताएंगी कि मुझे वो करना है, मॉइस्चर रिमूव करना है. वोलेटाइल मैटर की कंडीशन होती है कि द टेम्परेचर इज अबाउट 900 to 950 degrees. The heating is done for 7 minutes. The third condition is the crucible is covered. तीन कंडीशन मैंने बताई फॉर रिमूविंग वोलेटाइल मैटर. द क्रूसिबल इज कवर्ड, द टेम्परेचर इज 950 degree, तीसरी कंडीशन है टाइम इज 7 minutes. जो तीसरी कंडीशन है आपकी ऐश की, ऐश के लिए आपका टेम्परेचर होता है तकरीबन 700 to 750 degree. दूसरी बात ये, आपका जो टाइम होता है वो तकरीबन 30 minutes to 1 hour होता है. तो अगर आप ये कंडीशंस कहीं भी देख लें तो आपको मालूम है कि जो कंडीशन के अंदर 1 hour का टाइम है और 100 degrees है, ये मॉइस्चर के लिए है और जिसमें क्रूसिबल खुला हुआ है. दूसरी, अगर आपने ये कंडीशन देखनी कि क्रूसिबल कवर्ड है या 900-950 के लिए है, तो ये जो है ये वोलेटाइल मैटर के लिए है. तीसरी कंडीशन आपने ये देख ली कि अगर आपका टेम्परेचर 700-750 के डिग्री के लिए है और इसका टेम्परेचर, इसका टाइम 30 minutes to 1 hour है, तो ये आपका ऐश कंटेंट के लिए है. किस तरह यूज होता है ये मैं आपको अभी बताता हूँ. तो बस फॉर्मूला ऑफ मॉइस्चर परसेंटेज इज loss in weight of coal divided by the total weight of coal multiplied by 100. ये आपको given होगा question के अंदर, आपको extract करना आना चाहिए. दूसरी बात ये, do not go word for word के अगर मेरा question इस तरह से है तो it's going to come like that. I can give you the reverse also. I can give you the moisture content and ask you to calculate the number of carbons. That is also possible. Another possibility is कि I do not give you exact values, but I tell you that maybe the content is 0.5% of that answer. You will know with the passage of time how I phrase my question. For now, you just need to know the formula. Okay. Then we come on to the determination of volatile matter.
After the removal of moisture content, the crucible with the residual coal sample is converted covered by lid. देखें, volatile matter के लिए first important condition is covered by a lid. यानी अगर आपने covered by lid देख लिया तो इसका मतलब है आप volatile matter calculate कर रहे हैं. It is heated at a high temperature. Temperature भी मैंने आपको बता दिया 900 to 950 for some time in the furnace. The percentage of volatile matter can be calculated from loss of weight in the coal sample. Yani percentage of volatile matter is loss of weight of moisture free coal. Why do I say moisture free coal? Because the moisture has already been removed, divided by the weight of the coal initially taken, multiply by 100. Uske baad aata hai ash control. After the analysis of volatile matter, the crucible with the residual coal is heated without a lid for some time in the furnace. Okay, just give me 2 minutes. I am coming back in 2 minutes and conducting the class. Don't please talk because it is going to come in the recording. Okay, sorry, LMS की बात है. Sorry, okay. And how do you calculate the ash percentage? Weight of ash that is formed upon the weight of coal that is taken, multiply by 100. And the fourth point is determination of the fixed carbon. It is determined by subtracting the sum of total moisture, volatile matter and ash content from 100. Obviously, बात है जब बाकी तीन चीजें आपने निकाल ली हैं. तो तीन चीजों को आप ऐड करो और उनके परसेंटेज को आप 100 से माइनस करो तो आपको आपका फिक्स्ड कार्बन मिल जाएगा. अब इसकी डिटेल में जाते हैं. अगर मैंने आपसे पूछा कि मुझे फिक्स्ड कार्बन निकालो तो आपको चारों चीजें करनी पड़ेंगी. पहले आपको मॉइस्चर रिमूव कैलकुलेट करना पड़ेगा. उसके बाद आपको वोलेटिलिटी रिमूव कैलकुलेट करना पड़ेगा. उसके बाद आपको ऐश रिमूव कैलकुलेट करना पड़ेगा. फाइनली आप फिक्स्ड कार्बन में कैलकुलेट करते हो एंड दिस गोज इन ऑर्डर. अगर आप मॉइस्चर रिमूव नहीं करो तो आप वोलेटिलिटी कंट्रोल नहीं कर सकते, वोलेटिलिटी रिमूव नहीं कर सकते, ऐश नहीं कर सकते. यानी अगर आपको क्वेश्चन मिलता है सबसे पहले आप मॉइस्चर रिमूव को कैलकुलेट करो, उसके बाद आप वोलेटिलिटी रिमूव को कैलकुलेट करो, उसके बाद आप ऐश रिमूव को कैलकुलेट करो, फाइनली आप टोटल फिक्स कैलकुलेट करो. आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं बीच से इधर जा रहा हूँ, मैं बीच से इधर जा रहा हूँ. और आपको क्लू क्या देगा, आपको जो क्लू देगा, एक सेकंड होल्ड कर दें प्लीज. देखें ये इंपॉर्टेंट है, जिसके ये माइक खुले हुए हैं ना, आपको क्लू क्या देगा, आपको क्लू देगा क्रूसिबल की कंडीशंस. वो 700 के ऊपर है, वो 900 के ऊपर है, वो खुला है, वो बंद है, ये देगा. अगर वो खुला है तो वो मॉइस्चर के लिए, अगर वो बंद है तो वो वोलेटाइल मैटर के लिए है. तो ये क्लूज आपको पिक करने हैं क्वेश्चन के अंदर. मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये है. दिस इज वेयर योर एनालिसिस कम्स. सो इफ अ क्वेश्चन कम्स फॉर प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, आई हैव गिवन यू अ प्रैक्टिस क्वेश्चन. लुक एट दिस, इट कम्स लाइक दिस. अ कोल, और ये एग्जैक्टली आपको बता रहा है कि क्या हो रहा है. अ कोल सैंपल वॉज एनालाइज्ड एज फॉलो. Exactly 2.5 gram was weighed in a silica crucible. Yani initially aapke paas 2.5 gram of coal hai. After heating for 1 hour at 110 degree, the residue weight
2.415, ये वर्ड आपको बता रहा है कि ये मॉइस्चर रिमूव हो रहा है। कैसे मुझे मालूम है? यहाँ पर मैंने ओपन नहीं लिखा है, अगर ओपन लिखा होता वो भी आपको बताता, मगर अगली लाइन बोल रही है द क्रूसिबल वॉज देन कवर्ड, तो ये आपको बता रहा है कि ये मॉइस्चर इसलिए है बिकॉज इट इज ओपन, दैट इज द फर्स्ट क्लू। सेकेंड क्लू, 1 hour 110। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मॉइस्चर रिमूव के लिए तीन कंडीशन ज़रूरी होती हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि क्रूसिबल आपका खुला होता है, दूसरी कंडीशन ये होती है कि आपका टेम्परेचर अबाउट 100 to 110 होता है, तीसरी कंडीशन ये होती है कि आपका टाइम अबाउट 1 hour होता है। इन तीनों में से आप कोई भी कंडीशन ऊपर देख लें तो आपको मालूम है ये मॉइस्चर रिमूव का डेटा है। इसके बाद देखें, द क्रूसिबल वॉज देन कवर्ड बाय अ वेंटेड लिड एंड स्ट्रॉन्गली हीटेड फॉर एग्जैक्टली 7 minutes एट 950। दिस इज टेलिंग यू दैट द सेकेंड प्रोसेस इज फॉर रिमूविंग ऑफ वोलेटाइल। हाउ डू आई नो इट इज कवर्ड? फर्स्ट क्लू, सेकेंड क्लू 950 डिग्री, थर्ड क्लू 7 minutes। द रेजिड्यू वेट 1.528 ग्राम, यानी जब ये प्रोसेस से हो गया तो रेजिड्यू जो आपका मिला है वो 1.528 ग्राम है। तीसरी कंडीशन क्या है? द क्रूसिबल वॉज देन हीटेड विदाउट कवर, अगेन इट इज गोइंग टू बी विदाउट कवर, इनिशियली विदाउट कवर, देन विद कवर, देन विदाउट कवर। द क्रूसिबल वॉज देन हीटेड विदाउट कवर एट 700 degrees अंटिल अ कॉन्स्टेंट वेट वॉज ऑब्टेन्ड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 700 की बात कर रहा हूँ और 30 मिनट्स टू 1 hour की बात कर रहा हूँ, तो जो ये सिर्फ ऐश के लिए है, फॉर ऐश इट इज, फॉर ऐश आई नीड टू हैव 700 degrees। अगर विदाउट कवर और 100 डिग्रीज है देन इट इज़ फॉर मॉइस्चर। क्यों? क्योंकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्रीज होता है। आप अगर पानी निकाल रहे हो तो आपका टेम्परेचर रफली 100 to 110 होना चाहिए, यहाँ पर आप ऐश को रिमूव कर रहे हो तो आपका टेम्परेचर 700 के करीब है। सो दीज आर क्लूज। द लास्ट रेजिड्यू वॉज फाउंड टू बी 0.245 ग्राम। कैलकुलेट द परसेंटेज रिजल्ट फॉर द अबव एनालिसिस। मुझे टोटल कार्बन ढूंढना है। टोटल कार्बन किस तरह ढूंढ मिलता है? मुझे पहले मॉइस्चर रिमूव निकालना पड़ेगा, आई नीड टू फाइंड द मॉइस्चर रिमूव फर्स्ट, आई नीड टू फाइंड द वोलेटिलिटी रिमूव सेकेंड, आई नीड टू फाइंड द ऐश रिमूव थर्ड, देन आई कैन फाइंड द टोटल फिक्स्ड कार्बन। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द मॉइस्चर रिमूव्ड। व्हाट वॉज द फॉर्मूला ऑफ मॉइस्चर रिमूव्ड? मॉइस्चर रिमूव फॉर्मूला वॉज दिस, परसेंट ऑफ मॉइस्चर रिमूव्ड इज लॉस इन द वेट ऑफ कोल डिवाइडेड बाई द वेट ऑफ कोल इनिशियली टेकन मल्टीप्लाई बाई 100। From the question you know that initially the coal is 2.5 gram. Likha hua hai, exactly 2.5 gram was removed. Aur ye bhi likha hua hai, the residue weighed 2.415 gram. Iska matlab ye hua ki agar aakhir ke andar aapka residue hai jo reh gaya hai wo 2.415 gram hai, initially 2.5 gram hai, to iska kya matlab hua hai ki total weight kitna remove hoga? टोटल वेट या मॉइस्चर रिमूव वुड बी 2.5 माइनस 2.415। समझ आई बात के माइनस क्यों कर रहा हूं? बात समझ आ रही है? हेलो, टोटल माइनस लॉस? नहीं समझ आ रही है बात? कोई जागा हुआ है? यस सर, आ रही है सर। मैं माइनस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो मेरा रेजिड्यू के अंदर जो रह गया है वो 2.415 है। इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइडेड बाय द इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100, तो मेरा आंसर आ रहा है 3.4%। जब मैं लिट को कवर कर लेता हूं तो मेरा रेजिड्यू कितना आ रहा है? 1.528। ये 1.528 यहां पर दिया हुआ है डेटा के अंदर। तो व्हाट वॉज द फॉर्मूला फॉर द वोलेटाइल रिमूव? वोलेटाइल रिमूव का फॉर्मूला था लॉस इन वेट ऑफ मॉइस्चर अपॉन वेट ऑफ कोल इनिशियली टेकन। ये मुझे क्वेश्चन में मालूम पड़ गया है कि मेरा रेजिड्यू 1.528 है, मगर ये 1.58 कहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा? उधर से सब्ट्रैक्ट होगा जहाँ से पहले ही पानी रिमूव हो चुका है। पानी जब रिमूव हो गया था तो मेरी कंडीशन 2.415 थी।
इसीलिए दूसरे पार्ट के अंदर मैंने 2.5 माइनस 1.528 नहीं किया है, मैंने 2.415 माइनस 1.528 किया है, क्योंकि वोलेटाइल मैं सिर्फ मॉइस्चर रिमूव के बाद कर सकता हूँ, मॉइस्चर रिमूव के पहले नहीं कर सकता हूँ। तो इट इज द लॉस इन वेट ऑफ मॉइस्चर फ्री, तो 2.415 माइनस 1.528 डिवाइडेड बाय 2.5। नीचे 2.5 में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मेरा इनिशियल कोल 2.5 था। अगर मेरा इनिशियल कोल कुछ और होता तो नीचे कुछ और होता। तो इस तरह मुझे मालूम पड़ रहा है कि मेरा जो वोलेटिलिटी रिमूव्ड है दैट इज 35.48%। पार्ट टू के अंदर कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम इन पार्ट टू? नहीं समझ आई है तो अभी मुझसे पूछें, आई विल रिपीट। क्लियर है सर? क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या रिपीट करूं सर? ये सर रिपीट कर, ये फर्स्ट में 2.5 माइनस 2.415 किया और सेकंड में आपने 2.415 माइनस, सर ये मेरी समझ नहीं आया, दोबारा रिपीट कर देंगे? अच्छा, सेकंड के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है। देखें, पहले के अंदर मैंने पानी रिमूव करना है, सिंपली पानी रिमूव करना है। मेरा क्वेश्चन ये बता रहा है एग्जैक्टली 2.5 ग्राम वॉज वेट, यानी टोटल मेरे पास कोल 2.5 था। हीटिंग के बाद रेजिड्यू मेरा कितना बच गया? 2.415। अगर मेरा रेजिड्यू 2.415 बच गया, इसका मतलब क्या, कितना पानी रिमूव हुआ? पानी रिमूव हुआ 2.5 माइनस 2.415, इतना ही पानी रिमूव होगा ना, मल्टीप्लाई बाय 100। ये बात समझ आई? यस सर, ये समझ आ गई। अच्छा, अब सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट ये बोल रहा है, द क्रूसिबल वॉज देन कवर्ड बाई अ वेंटेड लिड एंड स्ट्रॉन्गली हीटेड फॉर 7 मिनट्स एट 950। द अब जो रेजिड्यू आ रहा है वो 1.528 आ रहा है। अब फॉर्मूले में क्या है, वोलेटाइल मैटर इन कोल इज लॉस इन वेट मॉइस्चर फ्री कोल। मॉइस्चर फ्री कोल का मतलब है कि पानी पहले से ही रिमूव हो गया है। तो पहले पार्ट में हमने किया ही ये था कि कितना पानी रिमूव हुआ है, इसीलिए हमने दूसरे पार्ट में 2.415 लिया है। अगर मॉइस्चर फ्री नहीं होता तो तब हम इसको 2.5 लेते। दूसरे पार्ट में क्या है, मॉइस्चर फ्री, यानी पहले ही पार्ट में आपने उसका मॉइस्चर रिमूव कर दिया है। बात समझ आई अब्दुल कयूम? आप पूछ रहे थे, आपको समझ आई बात अब्दुल कयूम? यस सर, थैंक यू। सही है, तो इस तरह प्रोसेस वही है, मगर इसके अंदर आपने मॉइस्चर फ्री कोल को रिमूव करना है। तीसरा पार्ट क्या था, ऐश कंटेंट। ऐश कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ ऐश फॉर्म्ड अपॉन वेट ऑफ कोल, दैट इज वेरी सिंपल। ये आपको बता रहा है द क्रूसिबल वॉज देन हीटेड एंड फाउंड टू बी 0.245 ग्राम, यानी कितना ऐश फॉर्म हुआ है, ऐश फॉर्म हुआ है 0.245। ओरिजिनल कोल कितना था, 2.5, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लिया तो आपको मिल गया ऐश 9.8%। अब टोटल फिक्स्ड कार्बन इज जस्ट एडिंग योर थ्री वैल्यूज, मॉइस्चर प्लस वोलेटाइल मैटर प्लस ऐश, सब्ट्रैक्टिंग दैट बाय 100। तो मैंने क्या किया, 3.4 प्लस 35.48 प्लस 9.8, I subtract that from 100 to get 51.32%। जब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया, मैंने अपने फाइनल रिजल्ट को टैब्यूलेट कर लिया। इट इज ऑलवेज गुड टू गिव योर आंसर इन अ टेबल फॉर्म। टेबल के अंदर मैंने इसकी वैल्यूज लिख दी। आखिरी चीज देखें, इस प्रॉक्सिमेट एनालिसिस के बाद मैं ये कह सकता हूँ, इस दफा तो मैंने क्वेश्चन में पूछा नहीं था, मगर अगर मैं आपसे क्वेश्चन में पूछ लूँ, कमेंट ऑन द टाइप ऑफ कोल दैट यू हैव ऑब्टेन्ड, तो बेस्ड ऑन द कार्बन कंटेंट यू कैन से इट इज पीट। ये पीट है, इनिशिएशन प्रोसेस है कोल की। मैं क्यों बोल सकता हूँ पीट है, मेरा आंसर आ रहा है 51.22। और अगर मैं इस टेबल को देखूं तो मेरी पीट की कितनी वैल्यू आ रही थी, लेस देन 60। दैट इज हाउ आई नो दैट दिस थिंग इज पीट। अगर मेरा आंसर 85 आ रहा होता फिक्स्ड कार्बन के लिए या 95 आ रहा होता, तो मैं क्या बोलता 95 के लिए, एंथ्रासाइट। बात समझ आई जी?
जी सर आ रहे हैं। हेलो सही है? यस यस सर। जाग जाएं। जी सर आ रही है, आ रही है सर। इम्पोर्टेंस क्या है प्रॉक्सिमेट एनालिसिस की? इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि हाई मॉइस्चर कंटेंट हमारे, आई विल जस्ट गो फास्ट ओवर इट बिकॉज टाइम मेरे पास इतना नहीं है, आई एम शॉर्ट ऑन टाइम। द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉक्सिमेट एनालिसिस इज यू वॉन्ट टू रिमूव द मॉइस्चर। वाई डू यू वॉन्ट टू रिमूव द मॉइस्चर? कैलोरीफिक वैल्यू इज गोइंग टू डिक्रीज। सेकेंड थिंग, यू वॉन्ट टू रिमूव द वोलेटाइल मैटर बिकॉज हाई द वोलेटाइल मैटर रिड्यूसेज द कैलोरीफिक वैल्यू। हाई वोलेटाइल कोल विल इग्नाइट ईजिली, high ignition temperature, and you want a moderate ignition temperature. That is why proximate analysis is important, to remove high moisture, to remove volatile matter, to remove ash, because high ash would again reduce the calorific value. And lastly, fixed carbon is pure carbon present in coal. Yani jitna aapka fixed carbon zyada hoga, utni aapki coal ki value zyada hogi, कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ, अगर यही सवाल हम देख लें, इसके अंदर मेरी कार्बन की वैल्यू 51.32 आ रही है। इफ माई कार्बन वैल्यू वॉज कमिंग टू 85% और 86%, आई कैन प्रोमिस यू दैट एश कंटेंट कम होती, 9.8 से कम होती। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि टोटल 100 ही होना था। जो आपका ये जो वोलेटाइल मैटर है ये भी कम होता, जो आपका मॉइस्चर है ये भी कम होता। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ दे आर लिंक टुगेदर। हमेशा मैं आपसे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इफ द क्वेश्चन कम्स ऑन प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, गो इन ऑर्डर। फर्स्ट रिमूव द मॉइस्चर कंटेंट, देन रिमूव द वोलेटिलिटी वोलेटाइल मैटर, देन रिमूव द एश, देन एड ऑल ऑफ देम टुगेदर। क्योंकि आपकी प्रोसेस ही ये होती है, पहले आप वोलेटाइल मैटर रिमूव नहीं कर सकते। यू हैव टू गो इन ऑर्डर के पहले आप क्रूसिबल खुला रखते हो 100 डिग्रीज के लिए, 1 आवर हीटिंग करते हो, उसके बाद आप क्रूसिबल बंद करते हो 950 डिग्री करते हो 7 मिनट के लिए, उसके बाद आप क्रूसिबल फिर से खोलते हो और खोलने के बाद 1 आवर करते हो या 30 मिनट्स करते हो 750 डिग्री के ऊपर, और ये सारा इंफॉर्मेशन आपको आपके क्वेश्चन में गिविन होता है। अज्यूम करें आई गिव यू दिस क्वेश्चन इन टेबल फॉर्म, यानी मैं आपको ये वर्ड नहीं लिखूं, मैं आपको टेबल बनाऊं, टेबल के अंदर मैं आपको ये लिख दूं, ए लिख दूं 750 डिग्री, तो आपको ये मालूम होना चाहिए ए मींस के एश की मैं बात कर रहा हूं। बी मैं आपको लिख दूं 900 डिग्रीज, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि बी मैं वोलेटाइल की बैटर कर रहा हूं क्योंकि मेरा टेम्परेचर वो है। तो ये कंडीशंस आपको मालूम होनी चाहिए, बिकॉज आई रिपीट, I haven't decided if I want to give this question, but if I give you this question, it is not going to be as simple as this question is. I am telling you the techniques because my goal is you extract the information yourself, you use your head. You will have a headache solving the fuel and energy paper. I am repeating from the first day, you will need to use your head to able to do this paper. Otherwise, you will not get good marks. So please get the concepts. For me, concept is more important, answer does not matter. अगर आपने अपना आंसर भी गलत कर लिया मगर आपका कॉन्सेप्ट सही था, यू विल गेट मेजॉरिटी ऑफ द मार्क्स बिकॉज आई विल फोकस ऑन योर कॉन्सेप्ट बिकॉज कैलकुलेशन एरर्स कैन टेक प्लेस। सर जी जल्दी पूछें। सर जैसे आपने कहा कि अगर आप ए दे रहे हैं 700, तो हम उसमें 700 से स्टार्ट करेंगे, मतलब एश रिमूव से स्टार्ट करेंगे या फिर पहले मॉइस्चर का भी वो करेंगे हम? मैंने आपको पहले यही बोला था के मॉइस्चर विल ऑलवेज बी रिमूव फर्स्ट, उसके बाद आपका वोलेटाइल मैटर, उसके बाद आपका ऐश। अगर मैंने आपको टेबल दिया हो, टेबल के अंदर मैंने आपको ए बी सी लिखा है, ए के सामने 700 लिखा हुआ है, बी के सामने 950 लिखा हुआ है, सी के सामने 100 लिखा हुआ है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्रोसेस सी पहले होगी बिकॉज मॉइस्चर पहले रिमूव होगा। उस मैंने आपको जंबल अप दे दिया ए बी सी कर, ये आपको पिक करना है कि सी पहले होगा क्योंकि वो 100 डिग्रीज है और पहले मॉइस्चर रिमूव होता है वोलेटाइल के करीब। पहले सी रिमूव होगा, फिर आपका बी रिमूव होगा क्योंकि बी 950 है, और फिर आपका सी ए रिमूव होगा। बात समझ आई? यही तो आपको एक्सट्रैक्ट करना है इंफॉर्मेशन। तो ये पॉसिबल नहीं है कि पहले वोलेटाइल मैटर रिमूव हो और फिर पानी रिमूव हो, दैट इज नॉट पॉसिबल।
तो ये गलती नहीं कीजिएगा बिकॉज आई एम श्योर दैट 99% ऑफ यू विल मेक दैट मिस्टेक. ओके सर. ओनली प्रैक्टिस इज गोइंग टू गेट यू देयर. ओके, अब बात करते हैं अल्टीमेट एनालिसिस की. जिस तरह मैंने आपको प्रॉक्सिमेट एनालिसिस की बात की है, इसी तरह अल्टीमेट एनालिसिस की बात करते हैं. एक यूट्यूब वीडियो मैंने आपको शेयर कर दी है. अल्टीमेट एनालिसिस और प्रॉक्सिमेट एनालिसिस का बात क्या होती है? प्रॉक्सिमेट एनालिसिस इज बेस्ड ऑन टोटल कंपाउंड्स, फोर मेजर कंपाउंड्स: मॉइस्चर, वोलेटाइल मैटर, एश एंड फिक्स्ड कार्बन. अल्टीमेट कोल बेस्ड ऑन इंडिविजुअल वेट परसेंटेजेस: कार्बन का सेपरेट, हाइड्रोजन का सेपरेट, नाइट्रोजन का सेपरेट, ऑक्सीजन का सेपरेट, सल्फर का सेपरेट विथ द एडिशन ऑफ ऐश. ऐश भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, मगर ये फाइव चीजें सेपरेट होंगी. कौन सी? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर. व्हेन आई वाज शोइंग यू द डायग्राम, समवन आस्क्ड मी दैट दिस कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, व्हाट इज इट बेस्ड ऑन? इट इज बेस्ड ऑन वेट परसेंटेज. I told you, I will tell you later. So ultimate analysis of coal. This analysis gives the elementary constituents of coal. इसका मतलब जो original elements है ना, जिसने coal को बनाया है, carbon, hydrogen, oxygen, उसका data आपको मिलता है. Based on the analysis, हम design कर सकते हैं अपनी coal burning equipment. तो जो आपके designers होते हैं ना, वो analysis कर design करते हैं कि हमें किस तरह का design चाहिए. यहां तक बात समझ आई? दोनों के बीच में फर्क मालूम पड़ गया? अल्टीमेट एनालिसिस एंड अब डिटरमिन कैसे करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन कोल के लिए. इधर थोड़ी सी अटेंशन पे कीजिएगा. अ नोन अमाउंट ऑफ कोल इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. जब हम बर्निंग करते हैं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं. एज अ रिजल्ट कार्बन अलग बर्न करेगा, ऑक्सीजन अलग बर्न करेगा. पहली बात तो यह है कि आपको देखना चाहिए कि आप, मैं आपसे डेरिवेशन नहीं पूछूंगा, बट आई एम शोइंग यू हाउ इट्स डिराइव्ड. फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो इज योर इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड. इफ कार्बन बर्न्स विद ऑक्सीजन, व्हाट एम आई प्रोड्यूसिंग? CO2. H2 इज बर्न्ड विद ऑक्सीजन, व्हाट एम आई प्रोड्यूसिंग? H2O. इज दिस इक्वेशन बैलेंस्ड? यस, इट्स बैलेंस्ड. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, इन दिस इक्वेशन वी अज्यूम कंप्लीट कंबशन. How do we know complete combustion? We know it is complete combustion because there is no presence of carbon monoxide. C plus O2 gives CO2. अच्छा, अब जो बात आती है वो ये होती है कि हमें ये determine करना है कि कितना carbon है, कितना hydrogen है. The products of combustion pass over weighted tube. आपके product क्या हैं combustion के? दो product हैं. एक product है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा प्रोडक्ट है H2O. ये एक यूट्यूब के ऊपर पास होंगे. यूट्यूब क्या है? इट इज अ मैनोमीटर. मैनोमीटर के अंदर, इफ यू रिमेंबर योर फ्लूइड मैकेनिक्स, दो तरह के फ्लूइड होते हैं. एक तरफ आपका होगा कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, जो ड्राई होगा. दूसरी तरफ आपका क्या होगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. ये दोनों कंबशन प्रोडक्ट्स को एब्जॉर्ब करेंगे. इसका मतलब ये हुआ कि एक जो चीज है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा, दूसरी जो चीज है वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा. जो आपका कैल्शियम क्लोराइड है ना, वो आपके कार्बन को एब्जॉर्ब करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा. जो आपका KOH है ना, वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा. यहां तक बात समझ आई? Yes, no. Yes, sir. Yes, sir. In short, मैंने ये बोला combustion हो रही है, दो product produce हो रहे हैं, carbon dioxide, water. ये दोनों आपकी manometer के ऊपर shift होंगे. On the manometer there is calcium chloride, there is potassium hydroxide. Calcium chloride is going to absorb the carbon dioxide and potassium hydroxide is going to absorb the water. अब देखें, अब जाहिर सी बात है अगर ये एब्जॉर्ब करेगा तो वेट को क्या होगा? इसका वेट बढ़ जाएगा. यानी आपकी जो कैल्शियम क्लोराइड है उसका भी वेट बढ़ जाएगा, आपका जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है उसका भी वेट बढ़ जाएगा. दोनों का वेट बढ़ेगा क्योंकि एक एब्जॉर्प्शन हो रही है.
तो कैलकुलेट करने के लिए हम कुछ वेरिएबल्स अज्यूम करते हैं. हम ये अज्यूम करते हैं कि x जो है वो आपका वेट ऑफ द सैंपल है. आपका सैंपल कितना है वो x है. अगर आपका सैंपल 3 है तो x 3 होगा. इफ योर सैंपल इज 7 x इज गोइंग टू बी 7. y क्या है? y इज द इंक्रीज इन द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ट्यूब. z क्या है? z इज द इंक्रीज ऑफ द कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब. y इज इंक्रीज इन पोटेशियम, z इज इंक्रीज इन कैल्शियम, x इज द टोटल सैंपल. अब कैलकुलेट कैसे करेंगे? पहले बात करते हैं कैलकुलेट ऑफ कार्बन परसेंटेज. यू नो दैट C प्लस O2 गिव्स CO2, यानी 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मेड फ्रॉम 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन. तो इसका मतलब कि इसका रिलेशन क्या है? 1 ग्राम क्या होगा? 1 ग्राम होगा 12 डिवाइड बाय 44. और हमें कितने ग्राम के लिए ढूंढना है? y ग्राम के लिए. y क्यों? y इंक्रीजेस विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. तो y के लिए हम क्या करेंगे? टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन वी विल डू 12 अपॉन 44 इनटू y अपॉन x. ये गिवन फॉर्मूला है. इट इज द जनरल फॉर्मूला 12 अपॉन 44 इनटू y अपॉन x मल्टीप्लाई बाय 100. इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है. आपको सिर्फ ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए 12 अपॉन 44 इनटू y अपॉन x. आपको और कुछ नहीं मालूम होना चाहिए. ये जो हमने कंडीशन की है इसी तरह एक हाइड्रोजन की कंडीशन होगी. हाइड्रोजन के अंदर 2 ग्राम्स गिव यू 18, तो इसके अंदर 12 अपॉन 44 के बजाय 2 अपॉन 18 हो जाएगा. हाइड्रोजन, टोटल हाइड्रोजन इन रिलेशन विद वाटर, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन कोल वुड बी गिवन बाय 2 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय z अपॉन x. z क्यों? क्योंकि जो दूसरा कंडीशन है वो z को रिलेट कर रहा है. ये बात समझ आई? जी यस सर. सर हम लोग जो मास मास से रिलेशन लगाते थे उसके अंदर हम लोग सिर्फ एक मल्टीप्लाई करते थे, इसके अंदर डिवाइड क्यों किया है आपने? डिवाइड मैंने रिलेशन बनाई है ना, आप मास ट्रांसफर से इसको नहीं देखें किसको डिवाइड किया है. नहीं नहीं सर, कुछ और बात कर रहा हूँ. हम लोगों ने सर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में ना वो पढ़े थे मास वॉल्यूम मास मास रिलेशनशिप्स ना, तो उसके अंदर ऐसा यही चीज थी कि 1 ग्राम के लिए निकाल लिया, फिर जितने ग्राम के लिए आपको चाहिए होता था ना, जैसे y ग्राम के लिए चाहिए तो y ग्राम को मल्टीप्लाई करा दिया. फिर आपने मुझे डिवाइड बाय x किया ना, ये समझ में नहीं आ रहा. डिवाइड बाय x इसलिए किया है क्योंकि आपने ये x क्या चीज है? x क्या चीज है? x इज द वेट ऑफ द सैंपल. अगर मैं x से डिवाइड नहीं करूंगा तो मैं सैंपल से रिलेट कैसे करूंगा? Originally it is multiplied by y. Basically the formula is 12 upon 44 multiplied by y. मगर x इसलिए है क्योंकि sample से भी तो निकलेगा ना. बात question numerical देखोगे तो समझ आ जाएगी. मैं point आपका समझ गया हूँ. Originally it is 12 upon 44 multiplied by y. मगर x इसलिए है क्योंकि आपको ये भी तो मालूम करना है कि total coal में से कितना carbon है. अगर आप x से divide नहीं करोगे तो आपको क्या मालूम carbon कितना है total? सही है. अच्छा, अब इसी तरह एक फॉर्मूला हाइड्रोजन के लिए. अब नाइट्रोजन के लिए भी एक फॉर्मूला होता है. देयर इज अ फॉर्मूला फॉर नाइट्रोजन व्हिच इज नोन एज द कैजुडाल्स मेथड. अब यू कैन रीड दिस थ्योरी ऑन योर ओन कि कैजुडाल मेथड में क्या होता है, बट आई विल जस्ट टेल यू द जिस्ट दैट अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड. अमोनिया जब प्रोड्यूस होता है तो अमोनिया इज titrated against an acid and then it is reverse titrated, yani back titration hoti hai. Originally kya hota hai? Nitrogen is a percentage is estimated by Kijerdahl's method. A known amount of powdered coal is heated with concentrated sulfuric acid and potassium sulfate in a flask. As a result, the nitrogen is converted to ammonium sulfate. Aapka jo nitrogen hai wo ammonium sulfate ban jayega, NH4 2 SO4. अमोनियम सल्फेट जो बनेगा ना वो हीट होगा विथ अमोनिया सोल्यूशन टू प्रोड्यूस अमोनिया. यू डू नॉट नीड टू नो दिस रिलेशन के क्या हो रहा है. ये मैं आपको बैकग्राउंड दे रहा हूँ कि अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है. जो एरो ऊपर जा रहा है दैट इज शोइंग दैट अमोनिया गैस इज प्रोड्यूस्ड.
दैट इज ऑल यू नीड टू नो. अब देखें क्या हो रहा है, जो अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है ना वो एब्जॉर्ब होगी कोई एसिड सॉल्यूशन के अंदर. बेशक आप H2SO4 लो, आप असल में कर क्या रहे हो, आप टाइट्रेशन कर रहे हो. द अनयूज्ड एसिड इज डिटरमिन्ड बाय यूजिंग टाइट्रेशन. योर फोकस इज ऑन यूजिंग द अनयूज्ड एसिड टाइट्रेशन कर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. सो फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड बाय अमोनिया लिब्रिएटेड द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैन बी कैलकुलेटेड. यानी आपकी जो अमोनिया है ना वो NOH से रिलेट होगी, NaOH से रिलेट होकर वो फर्दर अमोनिया बनाएगी. और वो जो अमोनियम सल्फेट जो है, जो अमोनिया है ना, दैट इज गोइंग टू एक्ट विद H2SO4 टू फॉर्म फर्दर अमोनियम सल्फेट. दीज आर टू रिएक्शंस. अगेन यू नीड टू इग्नोर दीज रिएक्शंस बिकॉज आई एम नॉट गोइंग इन द डेरिवेशन. द ओनली रिएक्शन दैट यू नीड टू नो इज परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इज दिस 1.4 multiply by volume of acid consumed into normality divided by the weight of the coal sample multiply by 100 is the percentage. 1.4 kaise aaya? Agar aap book mein dekhenge 1.4 aaya hai. Ammonia ka weight kitna hota hai? 14. Molarity kis mein lete hain? 1000 mein lete hain. To divide hokar aapko 1.4 mil jayega. If anyone is interested how this formula is derived, then I have shared you a book. Just give me 1 minute. I will show you where you can read up on it. You go on fuel and energy, miscellaneous material. This chapter I have uploaded on your slide. You can see how this relation came over here. But basically you need to know 1.4 into volume of acid consumed into normality. Normality will be given to you. Volume of acid consumed is going to be given to you. Or you can find it out by subtraction. 1.4 is a constant. Kaise aaya 1.4? You do not need to know. It is just a constant that is found by division. Divided by the weight of the sample. This is the formula for nitrogen calculation. Similarly, to determine the sulfur, you do a reaction with barium chloride to produce barium sulfate. Jitna barium sulfate aapka produce hua hai na, usse aap sulfur find out kar sakte ho. This is the derivation of it. You do not need to know this derivation. All you need to know is to find sulfur in coal, this is the formula. 32 divided by 233. 32 divided by 233 kaise aaya? 32 aapka mass of sulfur hai. 233 aapka mass of barium sulfate hai. Multiply by M upon X. M kya hai? M is the amount of barium sulfate that is formed. X kya hai? X is the weight of the coal sample taken. Multiply by 100. These few formulas you are going to know. You should know, I am doing one small example which will explain everything. Agar, please isko ghar jaakar padhiyega. Agar koi cheez samajh nahi aaye, ask me on Monday. I will explain it to you again. That is my job. But please read it once. You will understand it. Ab jab aapko question milta hai na, to aapko is tarah ka question milta hai. Main aapko bol raha hoon. Calculate the C, H, N and S from the following observations for a sample of coal. Dekhen, sara data aapko given hai. 2.1 gram of coal is burnt in a combustion tube. The increase in weight of the anhydrous calcium chloride is 0.53 and increase in weight of potassium hydroxide is 5.73. Ye information aapko kya bata raha hai? Ye information bata raha hai ki is information se main कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ढूंढ सकता हूं, क्योंकि कार्बन एंड हाइड्रोजन वाज बेस्ड ऑन द एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एंड पोटेशियम. सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या बता रही है? 0.75 ग्राम ऑफ कोल इन किजेल्स एक्सपेरिमेंट्स रिलीज्ड अमोनिया व्हिच इज पास इन 50 मिलीमीटर 0.12 नॉर्मैलिटी HCl. द HCl रिक्वायर्स 39 मिलियन ऑफ 0.12 NaNOH टू न्यूट्रलाइज इन बैक टाइट्रेशन. ये आपको क्या बता रहा है कि नाइट्रोजन में यहां से ढूंढ सकता हूं.
तीसरी प्रोसेस क्या है? Washings of bomb pot when 1.9 gram of the bomb calorimeter experiment is treated with barium chloride to give 0.41 gram of barium sulfate. ये आपको क्या बता रहा है? Barium sulfate. ये आपको बता रहा है मैं सल्फर यहाँ से निकाल सकता हूँ. ये जो चीजें हैं ना, ये चीजें कॉन्स्टेंट हैं. जिस तरह मैंने आपको प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में बताया था कंडीशन, इसी तरह कंडीशन इसमें भी है. बैरियम सल्फेट विल ऑलवेज बी टू फाइंड सल्फर. Anhydrous calcium chloride and potassium hydroxide will always be to find carbon and hydrogen. इसको वर्क ओवर करते हैं. सबसे पहले कार्बन की बात करते हैं. ये कैसे किया है ये देख लीजिएगा, बट इन द जिस्ट फॉर्मूला क्या था फॉर कार्बन? फॉर फॉर्मूला कार्बन के लिए फॉर्मूला वॉज 12/44 मल्टीप्लाई बाई वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 100. यही फॉर्मूला था ना. 12/44 कॉन्स्टेंट है. वाई क्या है? Y is increase in the amount of KOH. I told you that Y is related with KOH. यहाँ पर आपको question में दिया गया है कि potassium hydroxide is increased by 5.73 gram. तो आप simply क्या करेंगे? Y upon X, 12/44 into 5.73, वो Y की value है. X की value क्या है? 2.1. Originally question में given है 2.1 gram of coal. You will multiply by 100, you get an answer for carbon 74.415%. अगर question के आखिर में मैं आपसे ये पूछता हूँ कि what type of coal is this? What do you think? What type of coal is this? 75%. Sub-bituminous coal. Sub-bituminous coal की regime के अंदर आएगा ये. तो इस तरह आपको carbon मिल जाएगा. Hydrogen की बात करते हैं. हाइड्रोजन का फॉर्मूला वॉज 2/18 मल्टीप्लाई बाई जेड अपॉन एक्स. जेड क्या होता है? जेड इज द एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड वेट और एक्स आपको मालूम है 2.1 है. तो वही चीज हो गई. एनहाइड्रस हाइड्रोक्साइड का वेट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का वेट 0.53 है डिवाइडेड बाई 2.1 मल्टीप्लाई बाई 100. तो आपको आंसर क्या मिल गया? एच मिल गया 2.8. ये क्लियर है? ये दोनों कैसे मिले? कोई मसला? अच्छा, नाइट्रोजन के लिए फॉर्मूला था, 1.4 इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड कंज्यूम्ड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ द कोल सैंपल. अब देखें जो ये वॉल्यूम वैल्यू ऑफ एसिड कंज्यूम्ड, ये क्या है? ये है कितनी एसिड कंज्यूम हो रही है. अगर आप क्वेश्चन गौर से देखें, क्वेश्चन के अंदर ये लिखा है कि एक्सपेरिमेंट इज पास्ड इन अमोनिया विच इज 50 मिलीलीटर ऑफ एसिड. द HCl रिक्वायर्स 39 मिलीमीटर. प्लीज गलती कर 50 या 39 नहीं लिख लीजिएगा. रिक्वायर्स 39 का मतलब ये हुआ कि कंज्यूम कितनी हो रही है. अगर 39 उसकी रिक्वायरमेंट है, टोटल उसका 50 है, तो मैं कंज्यूम कितनी कर रहा हूं? मैं 11 कंज्यूम कर रहा हूं. 50 - 39. अगर मैं ये लिखता इट यूजेस 39, तो तब मैं इधर 39 लिखता, पर मैंने ये लिखा है इट रिक्वायर्स 39. तो सबसे पहले तो मैं वॉल्यूम ऑफ एसिड कंज्यूम कितना हो गया? 50 - 39 11 हो गया. 1.4 कांस्टेंट वैसे का वैसा रहेगा. वेयर डिड आई गेट 0.12? इट इज सेड इन द क्वेश्चन. 0.12 N मीन्स 0.12 नॉर्मैलिटी. सो एवरीथिंग इज गिवन. 0.75 कहाँ से आया? 0.75 यहाँ से आया. 0.75 ऑफ कोल. मैं इसको 2.1 नहीं लूंगा, मैं इसको 0.75 लूंगा क्योंकि मेरी प्रोसेस में 0.75. सो दिस इज गोइंग टू गिव मी द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन. इसी तरह उसका फॉर्मूला क्या था? बैरियम सल्फेट का. बैरियम सल्फेट सल्फर के लिए गिवन फॉर्मूला वॉज 32 डिवाइडेड बाई 233 माइनस मल्टीप्लाई बाई एम अपॉन एक्स. अगर फॉर्मूला में देखूं तो ये देखें 32/233 कॉन्स्टेंट है. एम क्या है? एम वॉज द अमाउंट ऑफ बैरियम सल्फेट प्रोड्यूस. यहाँ पर अमाउंट ऑफ बैरियम सल्फेट कितना प्रोड्यूस हो रहा है? प्रेसिपिटेट 0.41. और टोटल कितना था बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर? 1.9. तो उससे मैं अंदाजा कर लूं कि ये है
32 upon 283 into 0.41 multiply by 1.9 multiply by 100. तो इससे मुझे मेरा सल्फर की भी प्रोपोर्शन मिल जाएगी. आप ले गए थे? तो ये इससे मुझे सल्फर की प्रोपोर्शन मिल जाएगी. तो इससे मैं ये बता सकता हूँ ये सब बिचुमिनस कोल है बिकॉज दैट यू कैन ओनली बी टोल्ड बाय द नंबर ऑफ कार्बन्स. बाकी कोई चीज उसको नहीं बता सकती. तो इन कैलकुलेशन को आप देख लीजिएगा. कोई क्वेश्चन यहाँ तक? सर जी सर, तो हम अगर हमें कार्बन से